साउथ इंडियन फिल्म्स के सुपरहिट एक्टर धनुष के बारे में तो हम सभी जानते हैं। धनुष एक ऐसे एक्टर हैं जिनको न सिर्फ साउथ इंडिया में बल्कि बॉलीवुड की फिल्म्स में भी काफी पसंद किया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्टर धनुष की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बढ़ते हैं अपने वीडियो पर आगे और बताते हैं आपको एक्टर धनुष की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर एक, धनुष एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता कस्तूरी राजा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अपने करियर की शुरुआत धनुष ने अपने पिता की फिल्म से ही की थी। इसके अलावा उनके भाई भी एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर हैं और जो धनुष के साथ काफी काम भी कर चुके हैं। फैक्ट नंबर दो, काफी कम लोग ये जानते हैं कि धनुष का असली नाम वेंकटेश कस्तूरी राजा है। एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही धनुष का नाम दो स्टार्स शेयर करते थे, इसीलिए धनुष ने अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाने की सोची। उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि कमल हासन की फिल्म कुरुथिपुनाल देख के ही उन्होंने अपना नाम धनुष रखा। फिल्म में एक ऑपरेशन का नाम धनुष होता है और तभी उन्हें ये नाम इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने इस नाम को अपना स्टेज नेम रख लिया। फैक्ट नंबर तीन, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धनुष ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के गॉड रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी की थी, लेकिन अब इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। इन दोनों की शादी उस समय साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक तरफ धनुष जहां ऑलरेडी फिल्मी बैकग्राउंड से संबंध रखते थे, तो वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के गॉड की तरह पूजे जाते हैं। लेकिन इन दोनों की शादी के हाइप का एक रीजन और ये भी था कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या की उम्र धनुष की उम्र से ज्यादा थी। जहां एक तरफ धनुष 1983 बॉर्न है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत 1980 बॉर्न है। फैक्ट नंबर चार, धनुष ने साल 2003 की फिल्म थिरुड़ा थिरुड़ी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जो कमर्शियली एक सक्सेसफुल फिल्म रही थी। इस डेब्यू के बाद वो अपने भाई के द्वारा निर्देशित फिल्म काडल कोंडे में नजर आए थे, जिसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। इस फिल्म में धनुष ने एक मेंटली डिस्टर्ब गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले किया था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर काफी पोजेसिव था। अपनी स्टार्टिंग फिल्म्स में कोई भी एक्टर इस तरह का किरदार करने से बचता है। धनुष ने एक तरह से उस समय में शाहरुख खान को रिपीट किया, क्योंकि शाहरुख खान ने भी जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने काफी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए थे, जिन्हें जनरली कोई भी ऐसा एक्टर जो हीरो बनने की चाह में आता है वो करने से इनकार करता है। लेकिन धनुष एक अलग राह पर निकल पड़े थे और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया, और इसका बेस्ट फायदा धनुष को ये मिला कि इस फिल्म के जरिए उनकी न सिर्फ आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई बल्कि ऑडियंस ने भी उन्हें काफी सपोर्ट दिया, और इसके बाद उनका करियर चल निकला और ये फिल्म उनके करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म बन गई। फैक्ट नंबर पाँच, साल 2006 में आई पुदुपेट्टई फिल्म धनुष के करियर की एक आइकॉनिक फिल्म है। इस फिल्म ने ओवर द ईयर एक कल्ट स्टेटस अचीव कर लिया था। फिल्म में एक यंग लड़के की कहानी बताई गई जो अपनी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स की वजह से गैंगस्टर बन जाता है। इस फिल्म में काफी वायलेंस था, जिसकी वजह से धनुष का कैरेक्टर और भी इंटेंस नजर आता है। इस फिल्म को पसंद करने वाले लोगों की एक अलग ही कौम है, और यही रीजन था कि साल 2016 में इस फिल्म को एक बार दोबारा से रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर छह, धनुष के करियर की फिल्म आदुकलम एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह उनकी जिंदगी में आई। इस फिल्म में धनुष ने रोस्टर फाइटर का कैरेक्टर प्ले किया। ये रोल धनुष के लिए काफी डिफिकल्ट रहा, क्योंकि उन्हें बचपन से ही बर्ड से एलर्जी है, जिसकी वजह से वो शूटिंग के वक्त बीमार रहने लगे और इस वजह से फिल्म के शूट के शेड्यूल्स डिले होते गए। आखिरकार धनुष से कहा गया कि उनके सीन्स को करने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि धनुष को भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो और फिल्म का शूट भी लगातार टलता ना रहे। लेकिन धनुष इस बात के लिए तैयार नहीं थे और फाइनली धनुष ने मेडिकल असिस्टेंट्स के साथ इस फिल्म के सीन्स को शूट किया। उनकी इस दरियादिली का फायदा उन्हें कुछ इस तरह से मिला कि इस फिल्म के लिए धनुष को मिला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड, और ये अवार्ड उन्हें अपने करियर के उस दौर में मिला जब वो काफी यंग थे, और इस वजह से धनुष एक यंग नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर कहलाए। फैक्ट नंबर सात,
काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि बॉलीवुड की आज की सुपरहिट एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से की थी और जिस फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी उस फिल्म का नाम था आदुकलम। और ये फिल्म वही फिल्म थी जो धनुष के करियर की भी काफी इम्पोर्टेंट फिल्म थी। हालांकि उस समय तक धनुष एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर की तरह अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन धनुष के ऑपोजिट किसी भी न्यू कमर एक्ट्रेस के लिए काम करना एक बहुत बड़ी बात थी और ये तापसी पन्नू की पहली फिल्म थी। और तापसी पन्नू के लिए उस समय धनुष के साथ डेब्यू करना एक बहुत बड़ी बात थी। ये वही फिल्म थी जिसके बाद तापसी पन्नू को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्हें कई सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स के लिए अप्रोच किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 8, आपने कोलावेरी डी गाना तो जरूर सुना होगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये कोलावेरी डी गाना ही था जिसके बाद से आपने धनुष को लेकर सर्फ करना शुरू किया था। धनुष का ये गाना साल 2007 में रिलीज हुआ था और इस गाने को वर्ल्ड वाइड पसंद किया गया। ये गाना धनुष की फिल्म 3 का था। इस गाने को धनुष ने न सिर्फ खुद गाया था बल्कि इसके लिरिक्स भी धनुष ने ही लिखे थे। इस गाने को सूप सॉन्ग भी कहा जाता है। तमिल में इस वर्ड का मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली तमिल में सूप उन लड़कों को कहा जाता है जो प्यार में फेल होने की वजह से हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, और इसी वजह से ये गाना यंगस्टर्स के साथ काफी कनेक्ट हुआ और इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इसने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हमारा अगला फैक्ट कुछ इसी बारे में है। फैक्ट नंबर 9, कोलावेरी डी गाना इंडिया का पहला ऐसा म्यूजिक वीडियो था जिसे 100 मिलियन व्यूज मिले थे। ये गाना उन दिनों पूरे वर्ल्ड में वायरल हुआ था। हर कोई इस गाने के ऊपर वीडियो बनाने लगा था। इस गाने के लिरिक्स किसी को समझ में आए या फिर नहीं आए, लेकिन लोगों के दिमाग में इसकी धुन इस कदर बैठी हुई थी कि जैसे ही ये गाना बजता था लोग इस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते थे। फैक्ट नंबर 10, ये कोलावेरी डी गाना ही था जिसकी वजह से धनुष को बॉलीवुड में पहचान मिली। कोलावेरी डी गाने का असर न सिर्फ आम इंसान में बल्कि बॉलीवुड पर भी पड़ा। ये कोलावेरी डी के गाने का ही असर था कि खुद अमिताभ बच्चन ने इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक कमेंट डाला था, जिसकी वजह से हर कोई जान गया कि इस गाने को अमिताभ बच्चन तक ने नोटिस किया है। कोलावेरी डी गाने की वजह से ही धनुष को बॉलीवुड में रिकॉग्नाइज भी किया गया। ये कोलावेरी डी गाना ही था जिसके बाद धनुष को बॉलीवुड फिल्म्स के ऑफर आने लगे। डायरेक्टर आनंद एल राय ने भी धनुष को पहली बार इसी गाने में नोटिस किया था। उन्हें धनुष का गाना और उनकी पर्सनालिटी अपनी आने वाली फिल्म के हिसाब से इतनी मैचिंग लगी कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म रांझना के लिए धनुष को कास्ट किया। फैक्ट नंबर 11, धनुष का बॉलीवुड डेब्यू फिल्म रांझना से हुआ। इस फिल्म में उन्होंने सोनम कपूर और अभय देओल के साथ काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। ऑडियंस ने धनुष के कैरेक्टर कुंदन को बहुत पसंद किया, लेकिन धनुष के लिए इस फिल्म में काम करना कोई आसान बात नहीं थी और उसके पीछे कारण था लैंग्वेज। धनुष को हिंदी बोलनी आती ही नहीं है और यही रीजन था कि उनके लिए इस फिल्म में काम करना काफी चैलेंजिंग था, लेकिन एज यूजुअल धनुष ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कई महीनों तक हिंदी बोलने की ट्रेनिंग ली। धनुष ने डबिंग आर्टिस्ट की मदद लेने से साफ इनकार किया और मुश्किल से मुश्किल डायलॉग भी खुद अपनी ही आवाज में डब किए। फैक्ट नंबर 12, धनुष ने लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शमिताभ में काम किया था। इस फिल्म के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन शाहरुख से डेट्स न मिल पाने की वजह से वो इस रोल के लिए हामी नहीं भर पाए। इसके बाद इस फिल्म के मेकर्स ने धनुष को ये रोल ऑफर किया और इस फिल्म के टाइटल को भी इन दोनों एक्टर्स के नाम को जोड़कर बनाया गया। इस फिल्म में धनुष को लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और उसके पीछे कारण था कि इस फिल्म में धनुष ने अपनी आवाज में एक भी डायलॉग रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली फिल्म की कहानी ही कुछ ऐसी थी कि धनुष बोल नहीं सकते हैं और अमिताभ उनकी आवाज बनते हैं। इस फिल्म में धनुष के लिए अमिताभ बच्चन जैसे वेल नोन फिगर के साथ काम करना एक ड्रीम कम ट्रू की तरह था। फैक्ट नंबर 13, धनुष ने अपने फिल्मी करियर में न सिर्फ काफी कम एज में नेशनल अवार्ड जीतने वाले एक्टर का खिताब अपने नाम किया, बल्कि उन्होंने यूट्यूब पर भी काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि धनुष का सबसे पहला वीडियो एल्बम कोलावेरी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज हासिल करने वाला पहला इंडियन सॉन्ग था। इसके अलावा साल 2019 में उनका गाना राउडी बेबी 1 मिलियन व्यूज हासिल करने वाला पहला साउथ इंडियन गाना था। फैक्ट नंबर 14, यूं तो धनुष को पैसे की कोई कमी नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर उनकी नेटवर्थ के बारे में बात करें तो धनुष फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में 6 बार शामिल हो चुके हैं। मैगजीन के मुताबिक साल 2019 तक उनकी कमाई 31.75 करोड़ रुपए थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धनुष की कुल संपत्ति करीब 160 करोड़ रुपए है। वो हर महीने 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाते हैं। वो एक फिल्म के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। धनुष का चेन्नई के पॉश इलाके में घर है जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस घोस्ट और मर्सिडीज बेंज जैसी कार्स का कलेक्शन है। फैक्ट नंबर 15। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर धनुष ने साउथ फिल्म्स के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपनी अच्छी खासी जगह बनाई, लेकिन धनुष साउथ और बॉलीवुड के बाद थमे नहीं, अब वो चल पड़े हैं हॉलीवुड की राह पर। धनुष की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म है द ग्रे मैन, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स ने 25 मई को उनकी इस हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर जारी किया था और ये फिल्म 22 जुलाई 2022 को रिलीज होगी। फैक्ट नंबर 16। धनुष उन एक्टर्स में से एक हैं जो कि प्रॉपर फिल्मी हीरो नहीं लगते और इस वजह से धनुष ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि करियर के शुरुआती दिनों में धनुष का उनके लुक्स को लेकर काफी मजाक उड़ाया जाता था। कई बार धनुष को अपनी ही फिल्म के सेट पर बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। कई लोग उन्हें ऑटो ड्राइवर तक कहकर पुकारते थे। धनुष ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफी मुसीबतें झेली थीं। धनुष के मुताबिक करियर के शुरुआत में कोई ऐसा शख्स उन्हें शायद ही मिला हो जिसने उन्हें बॉडी शेमिंग को लेकर ट्रोल न किया हो। कोई भी इंसान जब उनके रंग रूप को लेकर मजाक बनाता था तो उन्हें काफी बुरा लगता था, लेकिन धनुष ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली इन प्रॉब्लम्स को हैंडल किया और अपने करियर में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े और फाइनली सक्सेसफुल भी हुए। फैक्ट नंबर 17। बॉडी शेमिंग को लेकर धनुष ने हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही उनके साथ कई बारी ऐसी घटनाएं हुआ करती थी जिसकी वजह से धनुष काफी परेशान हो जाया करते थे। अपनी एक फिल्म के शूटिंग के दौरान ही जब किसी ने उनसे पूछा कि इस फिल्म का हीरो कौन है, तो उन्होंने खुद की बजाय किसी दूसरे शख्स की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेइज्जती हो। लेकिन कुछ देर बाद लोगों को पता चल ही गया कि इस फिल्म के हीरो तो वो ही हैं। तब लोग हंस पड़े। लोगों ने कहा कि ये हीरो है, ये तो ऑटो ड्राइवर दिखता है। इसके बाद धनुष अपनी कार में आ गए और खूब जोर जोर से रोए। लेकिन धीरे धीरे धनुष इस तरह के कॉमेंट्स के आदी हो गए और उन्होंने इन्हीं कमेंट्स को अपनी ताकत बनाया और इंडस्ट्री में आगे बढ़ते चले गए और फाइनली अपनी सक्सेस के जरिए उन सभी लोगों के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा रसीद किया जिन्होंने उनकी लुक्स को लेकर उनका मजाक उड़ाया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एक्टर धनुष की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।